हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख सकते हो मैं भाई रेडी हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, अभी शाम हो चुकी है। रात भर तो वैसे भी नींद नहीं आती, तो मैंने रात भर जग के चारों व्लॉग एडिट कर लिए भाई। अब मेरे पास कोई व्लॉग नहीं है पेंडिंग का एडिट करने के लिए, बस एक गेमिंग चैनल की वीडियो जो कि हम करेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ कहीं कुछ लेने के लिए, अगर मिल जाता है आई होप, क्योंकि बारिश भी हो रही है। बारिश फिलहाल अभी बंद है, हम लोग जा रहे हैं, मैं लक्ष्य जा रहे हैं और मानो पापा भी आएंगे। तो वैसे तो गैस कर ही लिया था सौरभ ने, लेकिन तब भी थोड़ा सा हाइप बना ही देते हैं। मैं कुछ तो लेने के लिए जा रहा हूँ और वो काफ़ी वेट कर रहा था मैं। आई होप कि आज मिल जाए। दुकान वकान तब बंद हो जाएगी कि सुबह से या शायद शाम से बारिश हो रही, पता नहीं। मैं तो सो ही रहा था, मेरा यही हो रखा है भाई, रात भर जब दिन भर सो। और जब भी मैं सोता हूँ उस टाइम कॉल ज़रूर आती है, हमेशा यही होता है। चाहे मैं रात में जल्दी सो जाऊँ तब भी कॉल आएगी, दिन भर सो रहा तब भी कॉल आएगी, वरना ऐसे कॉल ही नहीं आती है। देखो अभी मैं जगा हूँ तब से एक भी कॉल नहीं है, मैं सो रहा था, 3 मिस कॉलें पड़ी हैं। मैं ना फिलहाल भी फटाफट से चलता था कि बारिश दोबारा से ना स्टार्ट हो जाए और मार्केट भी बंद हो जाती शायद 8-9 बजे तक। और अभी देख रहे हो 6 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे अभी मैंने लक्ष्य कॉल किया था, वो शायद कहीं बाहर गया है, उसने कहा अभी 15-20 मिनट बाद आना। आई होप कि बारिश फिर से ना स्टार्ट हो जाए, देखते हैं फिलहाल। तो यस, तो मैं जो लेने गया था वो लेके आ चुका हूँ वापस। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग जा रहे थे, बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया है। और मेन चीज़ तो हम लोग कल लेके जाएँ, कल लेने जाएंगे। और आज मैं एक चीज़ ले आया हूँ, ये देख सकते हो भाई। वैसे पता नहीं, मुझे नहीं पता मैंने ब्लॉग में बोला कि नहीं बोला है। मैं इस महीने से अपने ब्लॉग में हिंट दे रहा था कि मैं कुछ लेने वाला हूँ, एक स्टेप होगा, एक कह सकते हो अपग्रेड के लिए। और सौरभ ने कमेंट किया था एक ब्लॉग में कि लैपटॉप हो सकता है, वो कह सकते हो काफ़ी क्लोज था, लेकिन नहीं, लैपटॉप नहीं होगा, वो होगा ये जो देख रहे हो ना, इसके अंदर ये है अपना मॉनिटर। ठीक है, आज मैं मॉनिटर ले आया हूँ और कल जाके सीपीयू और जो भी जितना भी पीसी का सेटअप होगा वो हम कल लेके आएंगे। रीज़न इसलिए, हाँ मेरा पीसी बन रहा है, सबसे पहली बात ये बता दूँ। काफ़ी टाइम, बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी, जो इतने सारे जो चक्कर वगैरह लग रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहा था मैं ब्लॉगिंग को, इन सब को, मैं इसी समय पूरा रिसर्च पर लगा हुआ था। और घर वालों को भी मनाने में, पैसे जोड़ने में और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हाँ, फाइनली कह सकते हो अपना एक और सपना पूरा होने वाला है ऑलमोस्ट। ये रुको, इसको ना ऊपर बेड पे रख के आराम से दिखाऊंगा। और मैं लक्ष्य के साथ गया था भाई, बस पीसी बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोलूँ मैं तो वेट नहीं हो रहा, बस जल्दी से पीसी लगे। कुछ घंटों में आप देख सकते हो यहाँ पे होगा अपना पीसी। शायद कहीं ये टेबल भी चेंज होगी, क्योंकि ये जो टेबल देख रहा हो ना, ये कम से कम 10 साल पुरानी है और ये यहाँ से टेढ़ी भी हो गई है। इस पर अगर वज़न पड़ेगा ना तो ये बैठ जाएगी, तो मुझे टेबल भी नई लानी है। और चेयर तो अपनी मस्त है भाई, ये ऑफिस वाली, ये भी पुरानी है पर चलेगा, काम चला है। तो हाँ फिलहाल यही सीन था। कंप्यूटर लिया क्योंकि मैं बता दूँ मैंने कंप्यूटर किस लिए लिया है। और ये देख सकते हो यहाँ पे अपना ये पहला, ये दो लैपटॉप रखे हैं एक के ऊपर, ये देख सकते हो ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला। ब्लैक वाला है डेल का जो कि 12 साल प्लस पुराना है, और एसर का ब्लू वाला वो 8 या 9 साल उसके भी हो गया, तो मतलब दोनों किसी काम के हैं नहीं। और दो लैपटॉप आ चुके थे घर में, और घर में बात चल रही थी लैपटॉप, तो मैंने कहा कि नहीं अब मेरे को पीसी चाहिए, क्योंकि पीसी में क्या है, कुछ भी अपग्रेड करना होगा अपग्रेड कर सकते हैं। और लैपटॉप में क्या, कुछ ख़राब हुआ तो पूरा चेंज हुआ। और लैपटॉप से मैं ऊब भी गया था भाई, बचपन से लैपटॉप यूज़ किया है, अब पीसी यूज़ करेंगे। यार मैं ना इतना ज़्यादा क्या तो एक्साइटेड हूँ कि मैं से बोला भी नहीं आ रहा, मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। फाइनली रुको, सबसे पहले अपना मोनीटर दिखा देते हैं आप लोगों को, कौन सा है, कितने का है, कितनी इंचज का है भाई ये लैपटॉप कह रहा हूँ यार, मोनीटर पीसी बोलने में हालत ख़राब हो जाती है। ओके, तो ये देख सकते हो गीगाबाइट, ये है 24 इंचेस का है गेमिंग मॉनिटर, 60 सेंटीमीटर, और ये कुछ ऐसे ही होगा, ये स्टैंड गीगाबाइट लिखा होगा, इतना बड़ा है। सेम लक्ष्य के मॉनिटर जितना ही है, उसका शायद 165 हर्ट्ज है, मेरा 180 हर्ट्ज है, कुछ ऐसे ही है, मुझे पता नहीं है, स्पेक्स वगैरह मैं भूल गया हूँ। तो यही सीन है, ये देख सकते हो मैं मॉनिटर इसलिए लिया क्योंकि ये देख रहे हो इतना बड़ा है, ये मेरा हाथ देख सकते हो भाई, ये कितने ही आ जाएगा पूरा।
इसको तो लक्ष्य पकड़ के ले आया था, और कल हम वो पूरा सीपीयू वगैरह ले आएंगे, क्योंकि पता था मुझे 2 चक्कर लगने वाले हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पूरा सेटअप वगैरह करने में उधर एक घंटा तो लगेगा ही। तो हाँ, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पा रहा था इतने दिनों से, और अभी भी नहीं शूट कर पाया हूँ। और फिलहाल अभी बारिश हो ही रही है बाहर, मैं बता दूँ मैं ये शूट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ रात के 12:30 बज रहे हैं। अब पीसी भी आ गया तो मैं अपने गेमिंग चैनल पे भी कंटिन्यू रहूँगा या क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंट रहूँगा कंटिन्यू। एक्साइटमेंट में ना बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो गया, यकीन हो ही नहीं रहा है कि ये मेरा मॉनिटर इधर पीछे रखा हुआ है। मैं जब लेके आया ना, मैं जब लक्ष्य को वापस छोड़ने जा रहा था, मैं कहता भाई सपना तो नहीं है, कल हमारा पीसी बन जाए, कल थोड़ी भाग दौड़ और होगी, 1-2 दिन का भाग दौड़ और लगने वाली है, उसके बाद से हम आराम से बैठ के ब्लॉगिंग करेंगे। अब तो स्पेस की भी मतलब जितनी प्रॉब्लम थी अब कोई नहीं आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो ये कोई ब्लॉग नहीं था, कमरे में बैठ बैठ के बोल दिया मैंने, लेकिन समझो भाई बस थोड़ा टाइम और दो मेरे को, उसके बाद जब ये सब सेटअप वेटअप हो जाएगा ना, उसके बाद हम प्रॉपर ब्लॉगिंग करेंगे, मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे, जिम भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, गेमिंग चैनल की भी वीडियो आएगी, सब आएगा। बस मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दो, ये महीना इस महीने का और टाइम, मतलब 1 हफ्ता और, उसके बाद हम सितंबर से एकदम रेगुलर। बाय।